हेलो फ्रेंड्स, डिशेस इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है आम की खीर। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आम की खीर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध ले रखा है। ये आधे कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ले रखी है। 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 6-7 काजू, 6-7 बादाम, 1 कटोरी आम का पल्प और ये थोड़े से टुकड़े मैंने आम के काट कर रख लिए हैं डेकोरेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम खीर बनाना शुरू करते हैं। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने ये 1 कटोरी चावल ले रखा है जो मैंने आधे घंटे पहले भिगा कर रख लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। आंच को हम धीमा करेंगे और इसमें हम ये भीगा हुआ चावल ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से चलाएंगे। फ्रेंड्स, सेवई गाढ़ी होने तक हम इसे धीमी आंच पर रखकर पकाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसे थोड़े थोड़े देर में चलाना है वरना हमारा चावल नीचे से जल सकता है, जिससे हमारे सेवई का टेस्ट, जिससे हमारे खीर का टेस्ट खराब हो सकता है। तो हम आँच को धीमा कर देंगे और चावल को धीमी आँच पर पकने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम खीर को एक बार अच्छे से चला लेते हैं। खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें काजू ऐड करेंगे, बादाम ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इसे अच्छे से चला देंगे। इसे फ्रेंड्स हम 2 मिनट और पकने देंगे। दो मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसे मैं अच्छे से चला दूँगी। फ्रेंड्स, इसे मैं 1 मिनट और पकने दूँगी। एक मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और खीर को ठंडे होने देने के लिए पंखे के सामने इसे हम रख देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, खीर हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें यह आम का पल्प ऐड करूँगी और इसे अच्छे से चला दूँगी। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खीर को थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है ताकि खीर हमारा नीचे से पकड़े ना। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आम का खीर बनके हमारा तैयार है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।